मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे बिजनौर, लेंगे विकास कार्यों का जायजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिजनौर के दो दिवसीय दौरे को लेकर मुस्तैद हुआ प्रशासन, युद्ध स्तर पर की जा रही हैं तैयारियां। जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक ने मैदान में उतरकर संभाली कमान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3 और 4 सितंबर को जनपद बिजनौर के दौरे को लेकर अधिकारियों के द्वारा सभी तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। जिलाधिकारी बिजनौर उमेश मिश्रा की अगुवाई में एसपी दिनेश सिंह द्वारा लगातार कार्यक्रम को लेकर सभी जगहों पर नज़र रखी जा रही है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाकर मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने की व्यवस्था की गई है। गौरतलब है कि बिजनौर प्रवास पर पहुंच रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले मंडावा रोड पर स्थित नवनिर्मित पुलिस लाइन का लोकार्पण करने के लिए पहुंचेंगे और वहीं पर जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन के कार्यक्रमों के बाद रात्रि में PWD के गेस्ट हाउस में पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों से योजनाओं को लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही इसी गेस्ट हाउस में उनके रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी की गई है। कल 4 सितंबर को सुबह 10:25 पर योगी आदित्यनाथ बिजनौर के स्वाहेड़ी में बन रहे मेडिकल कॉलेज का भी जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। देखिए जनसंवाद के लिए मोहम्मद कासिम की यह रिपोर्ट। भारत है, महान दाता।